चुनाव में पहली बार न्यूज 18 आपके समक्ष लेके आ रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। और इस समय हम पहुंच चुके हैं संबलपुर झालसगुड़ा से और गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की सभा में यहां से जाएंगे और एक मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तेलुगु स्टेट से और ओडिशा से भी एक बड़ा सरप्राइज आएगा। आंध्र प्रदेश में हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उड़ीसा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल से लेकर? एक महिला मुख्यमंत्री को नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज इस समय मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर और मैं मौजूद हूं ओडिशा में और ओडिशा से हम जाएंगे पश्चिम बंगाल की तरफ। यानी कुल मिलाकर आज का पूरा दिन ग्राउंड जीरो पर मैं रहूंगा, लेकिन आज मेरे साथ कौन रहेगा ग्राउंड जीरो पर? इस चुनाव में पहली बार न्यूज 18 आपके समक्ष लेके आ रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी चुनावी रणनीति क्या है, उनकी चुनावी रणनीति क्या है और क्यों उन्हें लगता है कि बीजेपी का नंबर इस बार 300 के पार यानी 350 के इर्द गिर्द हो सकता है, या फिर 5 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने अपने एस्टिमेट को कुछ कम या फिर बढ़ाया है। तो आज पूरा दिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ हम बिताएंगे ओडिशा से लेकर बंगाल तक और फिर उनके साथ विस्तार से बातचीत भी करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम, आज का ये एडिशन वोट पथ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज 18 पर। जैसा आप जानते हैं कि आज का हम पूरा दिन यानी 14 घंटे बिता रहे हैं पहली बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ वोट पथ पर। अमित शाह किस तरह से अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूं ओडिशा के झालसगुड़ा में और झालसगुड़ा से हम जाएंगे संबलपुर जो कि धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ हम वोट पथ में और अब हम झालसगुड़ा से चलेंगे संबलपुर की तरफ। और इस समय हम पहुंच चुके हैं संबलपुर झालसगुड़ा से और गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की सभा में यहां से जाएंगे और एक मंदिर के भी दर्शन करेंगे। देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है। व्यूअर्स, जैसे आप जानते हैं आज हम 14 घंटे बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ, हम पहुंच गए हैं संबलपुर क्योंकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत प्रभु जगन्नाथ को प्रणाम करके और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे के साथ करी है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 चरण में नरेंद्र मोदी 310 पार कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? क्या मेरे भाजपा सरकार बनाओगे? जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे
और जैसा आप जानते हैं आज हम 14 घंटे बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। हम पहुंच चुके हैं संभलपुर के समलेश्वरी मंदिर और यहां गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद वो रवाना होंगे यहां से अपनी दूसरी पब्लिक मीटिंग के लिए। पहुंच चुके हैं क्योजर में जहां पर अमित शाह एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज हम 14 घंटे यानी पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम किया। अब छठे और सातवें चरण में 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। इस समय हम क्योजर की जनसभा में हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं और आदिवासी की अस्मिता की बात वो करते हैं द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी तरफ अमित शाह इस अपने संबोधन में ऊपर और नीचे यानी राज्य में बीजेपी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार की बात करते हैं और कहते हैं आदिवासियों की सरकार ओडिशा को आगे लेके जाएगी। आदिवासी तो आज हमने दौरा किया क्योंजर का गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह ने यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित किया और अब चलते हैं उनके अगले पड़ाव। और अब हम पहुंच चुके हैं ढेकनाल डिस्ट्रिक्ट में और इसके कामाख्या नगर टाउन में हम मौजूद हैं। चिलचिलाती धूप में दोपहर 3:30 बजे आप हुजूम देखे पब्लिक का। ये गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के लिए है, लोग छतों पे भी हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 3 से 4 पंडाल जो है वो भरे हुए हैं। वोट पथ में आज हमने लगभग 14 से 15 घंटे बिताए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। तो अमित जी, ये चुनाव आखिरी दौर में अब लगभग पहुंच चुका है, 5 चरण समाप्त हो गए हैं और आप दावा कर रहे हैं कि चौथे चरण के बाद ही बीजेपी को 270 के पार चली गई है, तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? मैं मानता हूं कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है, हम 400 पार करेंगे। क्योंकि आप अपने भाषणों में बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देगा। और नहीं, पहले समझ लो, हमने नहीं कहा है, इंडी गठबंधन के एक नेता ने कहा है कि हमारे पास अभी नेता नहीं है, हम बारी बारी एक एक साल सत्ता संभालेंगे। वो कहते हैं हमारे पास युवा भी है, हमारे पास बुजुर्ग भी है, हमारे पास हर वर्ग का नेता है, तो हमें हम नेता तय कर लेंगे, सरकार बन जाए एक बारी। नहीं, वो नहीं, वहां तक नहीं रुकते, 5 साल एक एक प्रधानमंत्री बनाएंगे, वहां तक जाते हैं जी। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है, क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री कहा करूंगा, मैं तो शपथ ग्रहण का न्योता देता हूं अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए, अच्छी बात है, अब 1 तारीख को सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शरद राव पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनका आरोप है कि ये पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल पार्टी हम है और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस घोषित करते तो पार्टी टूटती क्या?
और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को आगे करते तो पार्टी टूटती क्या? इनकी पार्टियां अपने पुत्र पुत्री मोह के कारण टूटी हैं और वो कहीं और जाकर कारण ढूंढ रहे हैं। रैली में आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल एक यूटर्न नेता है, किस कारण से आपने बोला? इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे, और फिर पॉलिटिक्स में आके पार्टी बनाई। अन्ना बिचारे डालेगांव सिद्धी चले गए, फिर कहा मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तीन तीन बार मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने शपथ पत्र पर कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, बंगलो भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले ली, और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो दो तीन बंगलों को तोड़कर गैर कानूनी तरीके से अपना बंगलो बनाने का उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें यू टर्न से भी बड़ी भयानक है। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ बात करी, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित के करप्शन में वो जेल में जाएगी, आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीरीज ऑफ यू टर्न लेने का काम श्री केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि 2 जून के बाद मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा ये तय करेंगे 4 जून के नतीजे, इंडिया अलायंस अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जहां तक मेरी समझ है उनको 1 जून को ही जाना है, सरेंडर करना है, तो 4 जून को तो वो जेल में ही होंगे। लेकिन आपने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। नहीं, मैंने तो जजमेंट के बारे में जी केजरीवाल जी के बारे में नहीं किया है। क्यों आपको लगता है कि जजमेंट खास है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से इंट्रिम बेल नहीं मिला है। मानो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई किसान की बुआई का समय हुआ होगा, कोई हज्जाम की दुकान चला रहा होगा, तो उनके भी तो कामकाज है। क्या आपको लगता है कि आप बार बार राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, आपके कार्यकर्ता नेता राम मंदिर के नारे लगाते हैं, ऑपोजिशन का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइज कर रही है और कैश करना चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये मुद्दा तब खड़ा होता है जब इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं लिया। अगर वो ले लेते तो वहीं पर बात समाप्त होनी। उनको देश की जनता को बताना चाहिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो लोग क्यों नहीं गए। ये एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए, इसलिए बार बार ये मुद्दा चुनाव में मुद्दा बन जाता है। जी, आप अपनी रैलियों में अक्सर बात करते हैं और कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है वो इस देश को शरिया के हिसाब से चलाना चाहता है। ये हमारी बात नहीं है, उन्होंने ही कहा है, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम पर्सनल लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पर्सनल लॉ कौन सा है भाई? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। बंगाल में ममता दीदी के गढ़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। कई ओपिनियन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बढ़ सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है संदेश खाली एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करें कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममता बनर्जी का जो नारा है मां माटी मानुष, उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि अब मुल्ला मदरसा और माफिया की खातिरदारी हो रही है, क्यों? एक बंगाल के युवा ने मुझे भेजा था जी, मेरे पास व्हाट्सएप मैंने सेव कर रखा जी, तो ये तो जनता की फीलिंग है। क्या आपको लगता है कि सीए के नाम पर, क्योंकि आप देश की गृह मंत्री भी है, सीए के नाम पर इस देश के एक बड़े तबके को, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है? बंगाल में कहा जा रहा है कि अमित शाह अगर जीत गया, यानी बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो सीए लागू होगा और चुन चुन के निकाला जाएगा। सीए वैसे भी लागू होगा, और सीए किसी को निकालने का कानून है ही नहीं, सीए भारत सरकार का कानून है, देश की संसद ने पारित किया है और पूरे देश में वो अप्लाई हो रहा है। कश्मीर में भारतीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है और इस बार बंपर वोटिंग भी हुई है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्या ये वर्ल्ड को, अराउंड द ग्लोब भी एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है भारत की तरफ से? निश्चित रूप से है। देखिए, जो लोग
आजादी की बात करते थे, जो लोग अलग संविधान की मांग करते थे जी, वो लोग आज भारतीय संविधान के तहत जो चुनाव हो रहा है उसका हिस्सा बने हैं और स्वागत योग्य है। और घाटी की जनता ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं पिछले कई सालों के, 33 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग अब हुई है। तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात है, कश्मीर के लिए भी अच्छी है, देश के लिए भी अच्छी जी। बार बार आप एक मुद्दा उठाते हैं अपनी रैली में, पीओके का। पीओके को आप कहते हैं ये भारत का हिस्सा है, क्या आप इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाना चाहते हैं 2024 के चुनाव का? बना दिया है आपने। अरे पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, आप क्या मानते हो पीओके भारत का हिस्सा नहीं है? भारत का ही है भैया, भारत की संसद का प्रस्ताव है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें पॉलिटिकल क्या है? कुछ पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारा देश का स्टैंड है। आप भी तो कह रहे हो पीओके भारत का हिस्सा है, क्योंकि तो वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन चुनावी रैली में इसका जिक्र करना, तो इसमें क्या है? सत्य चुनावी रैली में नहीं बोला जाता क्या? असत्य ही बोला जाता है। कांग्रेस कहती है कि देखिए फिर पाकिस्तान की बात बीच में ले आते, पाकिस्तान की बात नहीं है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात है, कश्मीर की बात है जी। इस चुनाव में आपको हमने कई चुनावों में देखा, लेकिन अमित शाह, लेकिन इस बार आपको आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो अमित काका के रूप में भी जानने लग गए, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैं रैलियों में भी देख रहा था आज, अच्छा लगता है युवा बच्चे इस तरह से पुकारते हैं जी। अमित शाह जी, फाइनल नंबर आपका क्या है? हम 400 पार करेंगे। और बीजेपी का नंबर क्या होगा? बीजेपी का नंबर अभी सातवें चरण के बाद ही असेसमेंट आ पाएगा, परंतु हम निश्चित रूप से 400 पार कर रहे हैं। अमित शाह जी, आपने हमें अपना वक्त दिया, आज पूरा दिन हमने आपके साथ बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद जी। धन्यवाद।